नमस्कार, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मैं पंकज। आपको बता दें, इस वक्त हम SMC सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के समक्ष हैं और एक विशाल जुलूस आप देख पा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करते हुए BJP जो है आगे आ रही है और यह BJP का यह जो आप देख पा रहे हैं एक विरोध जुलूस है। स्पष्ट इनके हाथों में गौतम देव का एक पुआल का पुतला भी है, जो शायद उस पुतला को फूकने के लिए उस मानसिकता और उस दृष्टिकोण से वो हाथ में लेकर के आए हुए हैं। और आपको बता दें, उनका स्पष्ट शब्दों में यह कहना है, TMC के ऊपर में वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पूर्व से ही जब पता था कि यह विषैला पानी को वह कैसे शहरवासी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए विषैला पानी पीने का अधिकार वो क्यों नहीं पहले रोके, कैसे उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनके पास अगर सत्ता है अधिकार है तो इसका अर्थ क्या वह कुछ भी करेंगे। यह आरोप उनका स्पष्ट शब्दों में है TMC के ऊपर में BJP के द्वारा, कि आप बिना जांच पड़ताल किए उसके रिपोर्ट आने के पूर्व ही पहले ही आप विषैले जल को पीने के से बाधित पहले क्यों नहीं किए। पिछले 20 दिनों से आप इस पानी को पीने दे रहे थे, अब अचानक ऐसा आरोप है। ऐसा इसी को देखते हुए वह एक विरोध जुलूस को यहाँ लेकर के आए हैं सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में, यानी कि सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। आपको बता दें, यह जो जुलूस है यह स्विमिंग पूल के करीब जो टेलीफोन एक्सचेंज कंचनजंगा स्टेडियम है वहाँ से आरंभ करके एक विशाल जुलूस गौतम देव जी का हाथों में पुतला लिए हुए, पुतला को दहन करने की मानसिकता से यह लेकर के आए हैं BJP सदस्यगण। आपको बता दें, इसमें महिलाएं भी हैं बहुसंख्या में। और अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, प्रशासन जो है सबको रोक दिए हैं, अंदर में मेन गेट से अंदर जाने का मना ही है, वहाँ अंदर नहीं जाने देना चाहते हैं। और BJP भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इस गेट के अंदर प्रवेश किया जाए और अपना विरोध प्रदर्शन किया जाए। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे धक्का मुक्की भी हो रही है, कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। इस वक्त की जो पिक्चर है वह आप देख पा रहे हैं, अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रशासन और BJP कार्यकर्ता के समक्ष आमने सामने यह बहुत ही भव्य और बड़ा विशाल जो है यह धक्का मुक्की और विरोध प्रदर्शन हो रही है, देख रहे हैं। साथ ही साथ दोनों ही तरफ से बल अपना अपना लगा रहे हैं। BJP कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अंदर प्रवेश कर जाएं, प्रशासन चाहती है कि वह अंदर इन्हें ना जाने दें, रोक रही है। कहना बहुत ही मुश्किल है कि आगे क्या होगा, बहुत ही स्थितियां जो है यहाँ पे ख़राब है। ऐसे समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देख पा रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन को पूरे दल बल के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गेट पे इकट्ठा हो गई है और विरोध करते हुए नज़र आ रही है। नेता विपक्ष के चेहरा अमित जैन जी भी यहाँ स्पष्ट देखे जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और भी तमाम यहाँ महिलाएं विंग्स भी हैं और प्रशासन के भी जो है महिला विंग्स यहाँ दिखी जा रही है। और प्रशासन, महिला विंग्स, विनर्स की टीम और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ता, यह दोनों आमने सामने हैं। कहा सुनी हो रही है विंग्स, महिला विनर्स और BJP विंग्स के मध्य में। और यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत ही विशाल भारी संख्याओं में
यहाँ पे आए हैं। आप देखिए कुछ माइकिंग भी किया जा रहा है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि कृपया सभी शांति बनाए रखें और शांत होकर के धरना में बैठ जाएं। गेट के सामने बैठ जाने के लिए उन्हें यह एक माइकिंग किया जा रहा है। और अब देखना यह है कि आगे बीजेपी कार्यकर्ता क्या करते हैं। कहना अभी आगे कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। आप देख पा रहे हैं जो भी दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, आपको बता दें आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मैं पंकज, प्रशासन को धिक्कार और हाय हाय जैसे शब्दों को भी नारा में बुलंद किया जा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर रही है कि किसी भी किस्म का कोई अप्रिय घटना ना हो जाए और कार्यकर्ताओं से वो रूबरू होकर के उन्हें समझाने की चेष्टा कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। यह जो है विरोध या क्रोध, यह क्रोध बीजेपी की तरफ से स्पष्ट देखा जा रहा है। यह क्रोध है पीने वाले पानी पेय जल को दूषित होने की स्थिति तक अवस्था तक क्यों जाने दिया गया और उसी के कारण यह जो है यह विरोध प्रदर्शन को रोकना चाहती है प्रशासन। और जो है यह बीजेपी का स्पष्ट शब्दों में यही सवाल है कि भाई हम क्यों इस तरह का हम प्रतीक्षा करें। सिलीगुड़ी शहरवासी के जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे होने दिया है वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी TMC। यह गौतम देव मेयर सिलीगुड़ी नगर पालिका के मेयर से स्पष्ट शब्दों में उनका सवाल है। यह पिक्चर आपको हम बता दें यह बहुत ही भयावह है। कहना मुश्किल है कब क्या हो जाए, क्योंकि जब आमने सामने दोनों ही डटे हों और जब असमंजस की स्थिति हो तो ऐसे में कुछ भी कह पाना पूर्वक अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं विपक्ष कर्तृपक्ष के नेता अमित जैन गेट के सामने धरना प्रदर्शन करने हेतु बैठ गए हैं। और जब बने रहे हमारे साथ, अभी कुछ ही पलों में हम उनको सुनेंगे अमित जैन जी कहना क्या चाहते हैं और उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है आज का ये धरना का, इस धरना का और इस विरोध प्रदर्शन का। यहाँ देख पा रहे हैं एक प्रदर्शनकारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो है अपने गले में पानी का बहुत बड़ा सा वो बुलडंग भी अपने गले में लटका के लाए हैं और तख्ती लेकर के विरोध प्रदर्शन करते दिखे जा रहे हैं। यह पिक्चर हम आपको सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के समक्ष मेन गेट से आपको हम लाइव टेलीकास्ट जुड़ करके दिखा रहे हैं। अब फेसबुक न्यूज द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के सौजन्य से आप यह स्थिति या परिस्थिति देख रहे हैं। आइए अमित जैन जी को सुनते हैं वह क्या कहते हैं और उनका क्या कहना है। देखिए जिस प्रकार से सिलीगुड़ी का ये पूरा निगम बोर्ड जो चल रहा है, ये लोगों को जहरीला पानी पिला करके लोगों की प्राण पे हानि कर चुका है। हम लोग का दावी है यह पूरा बोर्ड एक दिन भी यहाँ पे नहीं रह सकता है, इन लोगों को पदत्याग करना होगा। और उससे पहले कल आप लोगों ने देखा होगा जब CPM यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आया था तो पुलिस भी नहीं था, लेकिन जैसे बीजेपी धरना करने आता है यहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस आ जाती है। और हमारे महिला कर्मियों पर जिस प्रकार से हमला हम लोग किया है इसके लिए प्रतिवाद जनाते हैं। और सिलीगुड़ी शहर को जो पिछेला पानी लोगों ने पिलाया उसके लिए इनका मामला क्यों नहीं होगा? IPC का 328 धारा के तहत इनका मामला क्यों नहीं किया जाना है? हम लोग का परिष्कार दावी देखिए जिस प्रकार से सिलीगुड़ी का ये पूरा निगम बोर्ड जो चल रहा है,
ये लोगों को जहरा पानी पिला करके लोगों की प्राण पे हानि कर चुका है। हम लोग का दावी है ये पूरा बोर्ड एक दिन भी यहाँ पे नहीं रह सकता है, इन लोगों को पदत्याग करना होगा। और उससे पहले कल आप लोगों ने देखा होगा जब सीपीएम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आया था, दो पुलिस भी नहीं था, लेकिन जैसे बीजेपी धरना करने आता है यहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस आ जाती है। और हमारी महिला कर्मियों पर जिस प्रकार से हमला हम लोग किया है, इसके लिए हम प्रतिवाद जनाते हैं। और सिलीगुड़ी शहर को जो विषैला पानी लोगों ने पिलाया उसके लिए इनका मामला क्यों नहीं होगा? आईपीसी का 328 धारा के तहत इनका मामला क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोग का परिष्कार दावी है ये बोर्ड का स्पष्ट कहना है कि आईपीसी के तहत इंडियन पावर कोर्ट के तहत ऐसा ही तो बोल रहा तेरा निशान का जॉब है ये सिलीगुड़ी मानुष के कि तो असुविधा पड़ी है दिए छे पिछले 20 दिन से ये पानी हानि कर दिए छे। यही बोर्ड है इमीडिएट पदत्याग करा दरकार, दो तारीख तक पानी ना पीने का जल खावाचे। ऐसे में मैं सुन लाम तेरा बोलचे ना कि आज जल खाबेन ना, তার মানে 20 দিন আর জল কেন খাওয়ালেন? আজকে মানুষ আক্রান্ত হয়, পেটে রোগে আক্রান্ত হয়, অনেক মানুষ হসপিটালে আছে, তাদের জান প্রাণী যদি কিছু হয়ে যায় পুরো বডি তাই নিবে। এদের বিরুদ্ধে মামলা হবে না কেন? এটা পুলিশ কিন্তু পুলিশ প্রশাসনে জানা দরকার। হিন্দুস্তান জিন্দা।